हेलो फ्रेंड्स, सास बहू फैमिली गुरु के फेस्टिव सीजन के बाद आज फिर से हम हाजिर हैं आपसे करने के लिए खास मुलाकात। कैसा रहा आपका 5 दिनों का त्योहार? कहीं आपने कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया? कहीं ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका गला खराब तो नहीं हो गया? या फिर पटाखों के धुएं से आपको एलर्जी हो गई है क्या? वैसे हर त्योहार के बाद थकान भी जमकर होती है। अरे जब मैं आपको त्योहार की सारी तैयारियां करा रही हूँ तो ये भी तो मेरे बाप की ही बात बनती है, यानी कि त्योहार के बाद थकान किस तरीके से उतारे ये भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है, ताकि आपको इसके बाद भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो और हर प्रॉब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, आपकी थकान उतारते हैं। आइए शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बता देती हूँ, वो जान लीजिए जो आपके बहुत काम आएगा। सवाल ये है कि क्या पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है? हस्बैंड वाइफ में अगर हमेशा कलेश रहता है, अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, अक्सर आपका आपके पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो आप 11 गोमती चक्र सिंदूर लेकर उस डिब्बी में डालकर घर में रखें। इसको आपको कहाँ रखना है? इसको आप 3 जगह पर रख सकते हैं, एक अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में, दूसरा अपने घर के साउथ ईस्ट में और तीसरा अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में। आप ये रख कर देखिए, आप दोनों के बीच जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अपनी उंगलियों में आप अंगूठी जरूर पहनते होंगे और कोई ना कोई रत्न भी आपने जरूर धारण किया होगा, लेकिन आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए ये शायद ठीक से आपको पता नहीं होगा। मैं आपको राशि के हिसाब से रत्न पहनने की जानकारी देती हूँ। मेष राशि वालों को मूंगा यानी कि रेड कोरल गार्नेट, ये रेड कलर के एगेट को भी पहन सकते हैं। इसको पहनने से आपका लक आपको बहुत ज्यादा प्रेफर करेगा। वृश्चिक लगन के लोग या वृश्चिक राशि के लोगों को हीरा पहनना चाहिए और अगर हो सके तो इन लोगों को एम्बर भी पहनना चाहिए। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ओपल या फिर फिरोजा, जिसको टर्कोइज कलर का स्टोन बोलते हैं, जो आप यूजुअली सलमान खान के ब्रेसलेट में देखेंगे, वो भी पहन सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को या मिथुन लगन के लोगों को पन्ना पहनना चाहिए एमरल्ड। एमरल्ड का सब्स्टिट्यूट जेड भी आप पहन सकते हैं और उसी का एक दूसरा स्टोन आता है जो सी ग्रीन कलर का होता है, पेरिडॉट, ये भी पहनना लाभदायक होता है। कर्क राशि के लोगों को मोती पहनना चाहिए जो कि है पर्ल। एगेट आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को या लगन के लोगों को ये पहनने से फायदा मिलता है। सिंह राशि के लोगों को क्या पहनना चाहिए? भाई आप लोग रेड ओपल पहनिए, रूबी पहनिए या फिर गार्नेट पहनिए, ये पहनने से आपको हर तरीके के सुख मिलते हैं। कन्या राशि के लोगों को क्या पहनना चाहिए? आप लोगों को पहनना चाहिए पन्ना, जिसको मैंने बताया एमरल्ड बोलते हैं। आप पेरिडॉट पहन सकते हैं या फिर आप ऑनिक्स भी पहन सकते हैं, ऑनिक्स भी ग्रीन कलर का स्टोन होता है। आप टर्कोइज यानी कि फिरोजा भी धारण कर सकते हैं। तुला राशि के लोगों को ओपल पहनना चाहिए, आप ब्लू और व्हाइट दोनों ओपल पहन सकते हैं, ब्लू डायमंड पहन सकते हैं या फिर स्फटिक क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जिसको हम स्फटिक बोलते हैं। आप ब्लू टोपाज भी पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को क्या पहनना चाहिए? आप लोगों को टाइगर आई पहनना चाहिए, इंद्रगोप, मूंगा आप ये पहन सकते हैं, अगर आपका वृश्चिक लगन है तब भी आप पहन सकते हैं। धनु राशि के लोगों को क्या पहनना चाहिए? इस लगन के लोगों को हीरा डायमंड पहनना चाहिए, एम्बर पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए। फिरोजा धारण करने से भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। मकर राशि के लोग जो है वो नीली भी पहन सकते हैं, ये भी आपको बहुत फायदा देता है। नीली या नीली का लफ सब्स्टिट्यूट भी आप पहन सकते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि का रत्न है नीलम ब्लू सफायर, आप लोग लपीस और नीली भी पहन सकते हैं। मीन राशि का रत्न है पुखराज यानी कि येलो सफायर या फिर आप टाटरी, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप किसी भी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों तो किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही आप रत्न पहनिएगा।
रत्न और अंगूठियों से सिर्फ आपको ही नहीं हमारे स्टार्स को भी प्यार है। हमारे स्टार्स किस तरह की रत्न अंगूठी पहनना पसंद करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप जब अंगूठी चूज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज कितनी काम आएगी। क्या होता है पत्थरों का, स्टोन्स का लोगों के जीवन में असर, खुद ही पूछते हैं। मेरे साथ हैं हेमंत चौधरी जी और हम थपकी के सेट पे आए हुए हैं। ये बताइए कि हमने कई सारी अंगूठी देखी है आपके हाथों में, एग्जैक्टली क्या है ये? जी मैंने जैसे देखी, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पोखराज पहना है और मूंगा पहना है। पोखराज का कनेक्शन कहते हैं बृहस्पति से होता है और जो येलो रंग का होता है, और मूंगा का कनेक्शन मंगल से होता है। ठीक है, तो आपके ग्रह नक्षत्र में जिस भी ग्रह का कमोबेश प्रभाव है उसी के हिसाब से आपको चीजें दी जाती हैं। अगर मान लीजिए बृहस्पति आपके आपकी राशि में, बृहस्पति का अगर वीक है, वो कमजोर है, तो आपको पोखराज पहनाया जाता है। पोखराज के ये फायदे होते हैं। मंगलवार मूंगा के लिए अच्छा शुभ माना जाता है। जिनकी मंगल थोड़ी कमजोर होती है उनको मूंगा पहनाया जाता है। एक सवाल और भी होता है कि धारण करने के बाद जिस मकसद के लिए पहना था उस मकसद में कामयाब हुए, मतलब जो असर होता है क्या वो रियल होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और अब देखिए ये बड़ा ही रिलेटिव टर्म है, मैंने पहना और मुझे उसमें फायदा दिख रहा है और मैं फील कर रहा हूँ मुझे फायदा हो रहा है। अब इसमें एक लॉजिक ये भी लोग बता सकते हैं कि क्या पता आपको, अगर फायदा दिख रहा है और मैं फील कर रहा हूँ मुझे फायदा हो रहा है। अब इसमें एक लॉजिक ये भी लोग बता सकते हैं कि क्या पता आपको, अगर आप नहीं पहने होते हो सकता है आपका वक्त अच्छा था, आपको फेवर होता, आपको अच्छी चीजें मिल जाती, आपके फेवर में सारी चीजें जाती। तो ये सोचने की बात है, ये ट्रस्ट की बात है और विश्वास की बात है। बट आई हैव फेथ, मुझे है कि इन सब चीजों का कहीं ना कहीं असर तो होता ही है, फर्क तो होता ही है, क्योंकि इनका कनेक्शन ग्रह नक्षत्र से है जो उस चीज से इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स को वो इन्फ्लुएंस करती है, हमारे मस्तिष्क को इन्फ्लुएंस करती है। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उंगलियों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज मैं आपके लिए खास ब्यूटी टिप लेकर आई हूँ। आप खीर तो घर पर अक्सर बनाते ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि खीर से मसाज भी की जाती है तो आप हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको बताती हूँ खीर मसाज कैसे होती है और इसके फायदे क्या हैं। फिर आप सिर्फ खीर खाएंगे ही नहीं बल्कि खीर से मसाज भी करवाएंगे। खीर मसाज पचौली की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। खीर मसाज मीनिंग खीर मीनिंग पायसम, विच इज मेड अप ऑफ मिल्क एंड राइस। इसमें चावल और दूध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपको ग्लो, एंटी एजिंग और आपकी स्किन को बिल्कुल चमकदार बना देता है। खीर मसाज में हम नावरा राइस लेते हैं। नावरा राइस क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी ठंडक दूसरे राइस से कम होती है। हम लाल चंदन लेते हैं, व्हाइट चंदन लेते हैं, कत्था लेते हैं और जडा मासी लेते हैं, अम्बा हल्दी लेते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हम ग्लो के लिए लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मुलट्ठी, रोज पेटल्स एंड नागर मूथा है, जो कि क्योंकि जो चावल होता है वो थोड़ा सा ठंडक देता है आपकी बॉडी को, तो ये सारी चीजें बॉडी को गर्म करती हैं, तो हमारा वो बैलेंस मेंटेन हो जाता है और हम इसको सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। इसके साथ हम पिंडा ऑयल यूज करते हैं और सबसे पहले हम ऑयल से मसाज करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो इसमें दूध है, दूध लैक्टिक एसिड होता है, जो कि जिसमें एक एसिड होता है विच इज AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि हमारी बॉडी के कोलेजन को बढ़ाता है, फाइन लाइंस को ठीक करता है और सन टैनिंग को दूर करता है। इन सब चीजों को हमने दूध में उबाला और हमने उबाल के एक सॉफ्ट मिक्सचर बनाया और उसकी एक पोटली बना दी, सो दैट ये पोटली, और फिर हम इस पोटली को दूध और इस तेल में मिक्स करके आपकी बॉडी पे रब करेंगे और इस पोटली से ही आपकी बॉडी में मसाज होगी। अब हम खीर मसाज की शुरुआत करते हैं। और ये की कैसे जाती है, आप ये खीर मसाज घर पे भी कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। सबसे पहले हम ये पिंडा ऑयल से मसाज करेंगे, सो दैट हम उस एरिया को जहाँ पर हमें खीर मसाज करनी है उस एरिया को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें, चिकना कर लें।
जो दूध है ये काम करता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह भी, और ये हमारे कोलेजन को स्टिमुलेट करता है और बहुत ही हाइड्रेटिंग होता है हमारी स्किन के लिए। आप इस पोटली को खोल के भी यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से कोर्स हैं, हालांकि हमने एक बहुत ही सॉफ्ट पेस्ट बनाया है, बट वो कोर्स है सो दैट आप उसको एज एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि हमने कैसे खीर मसाज बनाई और उसे करी, और हमारी जो मॉडल बैठी हैं वो फील भी कर रही हैं कि उसके कितने अच्छे डिफरेंस हैं, और आप इसको करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आपको नजर आते हैं, और ये बहुत ही आसान है। चलिए वक्त हो गया है जानने का आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपके किसी काम में बार बार अड़चन आ जाती है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो अपने लक को मजबूत करने के लिए 3 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर उसे अपने घर के बाहर बिखेर दें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। आप इसको किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस पौधे में डालें उसमें फूल निकलने जरूरी है, मतलब फ्लावर वाले पौधे में डालिएगा। बहुत दिनों से मेरी क्लास नहीं हुई थी, मैंने सोचा आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोग फेसबुक पर हमें लगातार बताते रहते हैं तो मुझे मजा आता है और पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। कितने लोगों के साथ हम जीवन में दोस्ती करते हैं, काम करते हैं, कितने लोगों को अपने यहाँ काम पे रखते हैं, कितने लोगों के साथ हमें और ज्यादा अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना होता है। ऐसे में अगर आपको एक चीज पता चल जाए कि आप सिर्फ उनका हाथ देखें बात करते समय, लिखते समय, और सिर्फ किसी का हाथ देखने पर आपको ये अंदाजा लग जाए कि वो इंसान कैसा है, जैसे इस समय आप मेरा हाथ देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही अपना भी हाथ देखिए। आज के दिन हम बात करेंगे सिर्फ आपकी इंडेक्स फिंगर पर और रिंग फिंगर पर। तो पेपर पर अपना हाथ ड्रॉ कर लीजिए या सामने रखिए और देखिए कि आपकी कौन सी फिंगर बड़ी है, इंडेक्स फिंगर बड़ी है रिंग फिंगर से या रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से। कई बार दोनों हाथों की अलग अलग होती है, जैसे मेरे राइट हैंड में रिंग फिंगर बड़ी है और लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर बड़ी है, ऐसे आप में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहली सिचुएशन देखिए, जब आपके रिंग फिंगर आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर से यानी कि ये उंगली अनामिका उंगली इस उंगली से लंबी हो, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोगों को, क्योंकि ये उंगली सूर्य की है, तो ऐसे लोगों को हम ये बोल सकते हैं इनमें विल पावर बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोग जीवन में ज्यादा फेम कमाते हैं, ऐसे लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चीजों को फट से करा लेते हैं, ऐसे लोग बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहना पसंद करते हैं। ये जो लोग होते हैं अपने आप से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि अपने आप को मोटिवेशन ये लोग खुद ही दे सकते हैं। इसके अलावा नेचर से ये लोग इस तरीके के होते हैं कि किसी भी सिचुएशन का डटकर सामना करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का ज्यादातर जो नेचर है देखा गया है दयालु होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो जुपिटर से बढ़ जाता है तो इनके अंदर एग्जीक्यूशन पावर ज्यादा आ जाती है। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि अगर किसी की अपना हाथ देखते रहिए साथ साथ, हाँ टेलीविजन के साथ साथ अपना हाथ जरूर देखिए। अब अगर किसी की रिंग फिंगर जो है ये थोड़ी छोटी है, लेकिन ये जो इंडेक्स फिंगर है ये ज्यादा लंबी है, तो ये इसको देखेंगे तो इससे ज्यादा लंबी है। ऐसे लोग जिनकी तर्जनी उंगली उनकी अनामिका उंगली से बड़ी होती है, इन लोगों को अपने अंदर अपने काम को पूरे करने का विश्वास होता है, इनकी ये आदत होती है। ऐसे लोग शांति से अपना काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग स्वभाव से इंट्रोवर्ट होते हैं। देखिए इंडेक्स फिंगर का क्या मतलब है, अगर मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप फोकस करें, तो मैं आपको कहूंगी वो देखिए उधर देखिए, तो इस उंगली को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फोकस के लिए, लेकिन इस उंगली को हम ईगो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने काम से काम में मतलब रखो कौन हो तुम। तो इस फिंगर का यूटिलाइजेशन ईगो और फोकस दोनों पर होता है। अगर तो ये आपकी रिंग फिंगर से बहुत ज्यादा लंबी है तो ईगो को बढ़ा देगी, लेकिन अगर ये टाइनी माइनी लंबी है तो आपको काम में फोकस देगी, और फोकस ऐसा देगी कि आपको अपने काम के दौरान किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगेगी। देखिए सर, अगर ये फिंगर लंबी होगी तो जब आप काम करेंगे और कोई टोक दे, रोक दे, इंटरफेयर करे, आप इरिटेट हो जाएंगे। अपने काम के समय आप खुश रहते होंगे,
ऐसे में ऐसा ये भी देखा गया कि इन लोगों में हमेशा आगे बढ़ने की ललक होती है, एम्बिशन होता है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और जो हमारी अनामिका उंगली है ये बिल्कुल बराबर हो। आप देखेंगे तो ये देखने में ऑलमोस्ट बराबर रहेंगी। अगर ये फिंगर्स बराबर हैं तो जिन लोगों की, क्योंकि ये फिंगर्स बराबर होती हैं, ऐसे लोग किसी भी तरीके की झमेले में पड़ना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग स्वभाव से काफी बैलेंस्ड होते हैं और सुलझे हुए होते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में काफी ईमानदार होते हैं। इन लोगों को शांति काफी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इन्हें छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो ये बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग अगर आप इनको छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो ये आपको बड़ी एमिकेबली अपने लाइफ से बाहर कर देंगे। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। आपकी उंगलियां कमाल की होती हैं। आपको इन उंगलियों में अपना भाग्य देखना आना चाहिए। बस क्या आपको मालूम है, आपके हाथ पर वो चक्र होते हैं, वो निशान होते हैं जो आपको सौभाग्यशाली बनाते हैं, और कुछ निशान भविष्य के होने वाली अनहोनी की चेतावनी भी देते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं देने जा रही हूँ। अगर किसी जातक की उंगली में एक चक्र का निशान है, सपोज कीजिए सिर्फ एक ही चक्र है पूरी फिंगली में, उंगली में, हाथ की एक उंगली में, तो ये इंसान चालाक होगा और साथ साथ अवसर को भुलाने वाला होता है। ऐसे लोग अपने, मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये बिना स्वार्थ के कुछ भी करने को तैयार नहीं होते, थोड़ी सेल्फिश टेंडेंसी। अगर बाकी हाथ पे कोई डिफरेंट पैटर्न है, चक्र या शंख होते हैं, लेकिन अगर हाथ पे दो चक्र हैं, उंगलियों में दो चक्रों के निशान हैं, तो ऐसे लोग सुंदर, गुणवान, समाज में प्रशंसा के पात्र होते हैं। इन लोगों को तमाम लग्जरीज, भौतिक सुख मिलते हैं। अब अगर इसके साथ साथ किसी की उंगलियों में तीन, कोई भी तीन फिंगर्स हो सकते हैं, तीन चक्रों के निशान हैं, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? तो ऐसे मनुष्य अपना अधिकतर समय भोग विलास में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन जो है वो दुख में बना रहता है। अगर किसी जातक की उंगलियों में चार चक्रों के निशान हैं, तो वो इंसान क्या करेगा, वो अपने कामों में निरंतर संघर्ष करता रहेगा, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी। ऐसे लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कई बार अपमान भी सहते हैं। इन लोगों का 50 वर्ष से बाद ही, पोस्ट 50 ही इनकी लाइफ अच्छी होती है। अगर किसी इंसान की उंगलियों में पांच चक्रों के निशान हैं, तो ऐसे लोग अपनी विद्वत्ता से समाज में कल्याण करते हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े सोशल वर्कर, इनके हाथों पे आप ज्यादा चक्रों के निशान देखेंगे। ऐसे लोग जो हैं, वो लोगों के लिए जीते हैं। अगर किसी इंसान की उंगलियों में छह चक्रों के निशान हैं, आप अपने फिंगर्स में चेक कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितने निशान हैं, इस जगह पर होते हैं जैसे मैंने ड्रॉ किया। अगर किसी इंसान के छह चक्र हैं दोनों फिंगर्स पर, थंब पर मिलाकर, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, अच्छे पद पर ये लोग पहुंचते हैं, सुखपूर्वक इनका जीवन जो है वो व्यतीत होता है, पर इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, खुशियां नहीं होती। अगर किसी इंसान की उंगलियों में 7 चक्र के निशान है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे लोग पहाड़ों की खूब यात्रा करते हैं और अपने साहस और पराक्रम से और जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। पहाड़ों की यात्रा ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट घूमने चले जाएगा, इसका मतलब लाइफ में डिफिकल्टीज को पार करेंगे। दिवाली पर बम पटाखों के शोर से कहीं आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दिवाली के बाद अक्सर ज्यादा, बहुत ज्यादा थकान होती है, बॉडी थकती है, या शोर कई लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करता है, माइग्रेन सिर दर्द की बीमारी हो जाती है। नहीं होती तो पहले जो होती है उसमें एग्रीवेट हो जाती है। माइग्रेन एक आम बीमारी है जो दिमाग में नर्व की सूजन से पैदा होती है।
माइग्रेन सेल में हल्के दर्द से शुरू होकर तेज दर्द तक बढ़ जाती है। कभी कभी ये लगभग 4 घंटे से लेकर 72 घंटों तक बना रहता है। इसमें सिर के पिछले भाग में गर्दन के पास से लेकर पूरे सिर में भयंकर दर्द होता है। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है ये जानिए। बर्फ या ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखें। इससे जो रक्त आपकी बॉडी में जो कहीं कहीं आपके ब्रेन में ब्लॉकेज दे रहा है वो फिर से अपनी नॉर्मल फ्लो पर वापस आना शुरू कर देता है। इसके साथ में आप क्या करें, आप कम से कम 6 घंटे 6 to 8 hours की गहरी नींद जरूर लें। योग, मेडिटेशन और साथ साथ मॉर्निंग वॉक आप अगर रेगुलर करते हैं तो माइग्रेन में आराम होगा। टाइम से खाना खाइए। जब भी घर से बाहर निकलें, छाता लें और सूरज की सीधी रोशनी से बचें। सिर पर मेहंदी का लेप लगाएं, इससे बहुत आराम मिलता है। दालचीनी को पीस कर इसका लेप माथे पर लगाएं, इससे दर्द से तुरंत आराम मिलता है। देखिए, सिर दर्द में अदरक बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो अदरक वाली चाय पी सकते हैं, इससे जो आपको प्यूकिश फीलिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप क्या करें, माइग्रेन सिर दर्द होने पर आराम अगर आप पाना चाहते हैं तो रोशनी और आवाज से दूर रहें। आंख बंद कर आप सोने की कोशिश करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और वेजिटेबल जूस जैसे गाजर, पालक, खीरा खाएं। मौसमी फल और सब्जियां खाएं। रात में हल्का फाइबर वाला भोजन करें। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला और आंवले के चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लें। 1 चम्मच त्रिफला और आंवले के चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लें। मैं जानती हूँ ज्यादातर दर्शक सिर दर्द और माइग्रेन के बीच का अंतर नहीं पता कर सकते, जिस वजह से अक्सर वो माइग्रेन को पकड़ नहीं पाते। इसीलिए आज मैं आपको ये मुश्किल है जो आपकी दुविधा है इसको सॉल्व कर देते हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि माइग्रेन और सिर दर्द में आखिर अंतर क्या है। डॉक्टर, आपका शो पर स्वागत है। हमारे दर्शकों को प्लीज ये बताइए कि माइग्रेन और कॉमन सिर दर्द में अंतर क्या होता है और माइग्रेन को पकड़ने का क्या है तरीका, इसके लक्षण क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि यही माइग्रेन है। देखिए, माइग्रेन एक सिर का दर्द होता है जिसको कि वाजोस्पास्टिक पेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी नाड़ियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से थ्रॉबिंग हेडेक होता है। साधारण हेडेक और माइग्रेन में थोड़ा सा फर्क होता है। माइग्रेन जो है वो आर्टरीज के सिकुड़ने की वजह से, वाजोस्पास्टिक होता है, नसों के सिकुड़ने की वजह से ये दर्द होता है। अक्सर ये हेरिडिटीज में चलता है और ये कभी भी दर्द हो सकता है। कभी कभी ये क्लस्टर्स में भी आता है, तो ये कभी भी ये हेडेक हो सकता है और जनरली आनुवांशिक होता है, हेरिडिटी में होता है, हेरिडिटी के साथ में चलता है। डॉक्टर, अगर किसी को पता चल ही गया कि उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इससे वो परेशान है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या माइग्रेन का इलाज हो सकता है? हाँ, माइग्रेन एक बीमारी है जिसका कि इलाज संभव है। हम प्रिवेंटिव दवाई देते हैं जिससे कि माइग्रेन के अटैक्स जो हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं या कंट्रोल में आ जाते हैं, और ये बिल्कुल इसका इलाज बहुत अच्छा संभव है। और माइग्रेन जो है वो कुछ चीजों से प्रेसिपिटेट भी होता है, कि जैसे कई बार बहुत फ्लैशेस ऑफ लाइट हो। हर व्यक्ति का जो माइग्रेन होता है वो अलग अलग चीजों से प्रेसिपिटेट होता है। तो सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट अगर कोई है माइग्रेन का, जिससे कि माइग्रेन का दर्द शुरू होता है, सबसे पहले तो हम उसको अवॉइड करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट को। और प्रेसिपिटेटिंग इवेंट को अवॉइड करने के बाद में फिर हम दवाइयां देते हैं जो कि प्रिवेंटिव थेरेपी होती है, तो जिससे कि माइग्रेन का दर्द नहीं होता। इसके बावजूद भी अगर दर्द होता है तो ड्यूरिंग पेन हम पेन किलर भी दे सकते हैं, जिससे कि मरीज को असुविधा नहीं होती है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो डेफिनेटली माइग्रेन का पेन जो है उसका इलाज संभव है और बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों को आपकी राय से बहुत फायदा होगा। चलिए, शो में अब वक्त हो गया है आज का तीसरा महाउपाय आपको बताने का। सवाल ये है कि क्या दुश्मन बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, आपका एनिमी आपको तंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्यों तंग हो रहे हैं? मंगलवार के दिन नए लाल कपड़े में 900 ग्राम लाल मसूर की दाल, 1.25 किलो गुड़ और कोई भी एक तांबे का बर्तन, चमेली के तेल की एक बोतल और 11 रुपए बांध कर उसे पहले हनुमान जी की चरणों में रखें, उनके पैरों में रखें मंदिर जाकर,
फिर अपनी सफलता की कामना करते हुए आप उसको हाथ में पकड़ें और फिर इस सामान को किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा आपको 3 ट्यूसडेज रेगुलरली करना है। और ध्यान रहे, जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन किसी पर भी गलती से गुस्सा ना करें, इससे मंगल खराब होता है। देखिए आपके काम न्यू बन जाएंगे। उसका चौथा महा उपाय बताने का सवाल ये है कि क्या बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं और बार बार गड़बड़ हो जाती है, इसको अवॉइड करने के लिए घर से निकलने से पहले बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से 21 रुपए निकालकर किसी गुप्त स्थान पर रख कर जाएं और फिर घर आने के बाद बिना किसी को बताए 21 रुपए किसी गरीब को दान कर दें। आपकी बेटी के रिश्ते की बात जरूर बन जाएगी। अगर आपके कल को बनाना है लकी तो आपको फॉलो करनी होगी एक टिप। कैसे करेंगे फॉलो? अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से इस टिप को फॉलो कीजिए और कमाल देखिए। अब उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए टू एम। अगर आपका नाम ए अल्फाबेट से शुरू होता है तो पैर के जोड़ों का ध्यान रखिए, आपको दर्द ज्यादा हो सकता है। बी से है आपका नाम शुरू तो अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज जरूर करें। सी से नाम शुरू होता है तो कोई पेंटिंग बनाए, कोई क्रिएटिव ड्राइंग करें। डी से है आपका नाम, किसी से बुरा ना बोले। ई से नाम शुरू होता है, सावधानी से चलिएगा। एफ से है आपका नाम तो नशे से सावधानी से चलिएगा। एफ से है आपका नाम तो नशे से दूर रहना है। जी से नाम शुरू होता है तो किचन का नल चेक करें। एच से है आपका नाम तो छोटे बच्चों को खुश रखें। आई से नाम शुरू होता है तो काम जल्दी निपटा लीजिए। जे से है आपका नाम तो मजाक का बुरा ना माने। के से नाम शुरू होता है तो कंप्यूटर पर ज्यादा देर बिल्कुल ना बैठें। एल से है आपका नाम शुरू तो शाम को हनुमान जी की आरती करें। और अगर एन से आपका नाम शुरू होता है तो लौकी की सब्जी खाइए, बुध मजबूत होगा। आप पर या आपके घर पर किसी की बुरी नजर है? देखिए कई बार क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से घर में या आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐसे में आप क्या करें, संडे की रात अपने बेड साइड पर एक दूध के ग्लास को भरकर रखकर सोएं। ध्यान से रखिएगा कि नींद में आपका हाथ लगने से वो गिर ना जाए। फिर आप अगले दिन सुबह उठकर नहाने के बाद इस ग्लास के दूध को आप बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। जब तक आराम ना आए हर संडे ये उपाय करते जाएं। 2-3 बार में ही आपको फर्क समझ आ जाएगा। चलिए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट एन टू जेड। एन से है आपका नाम शुरू तो काली शर्ट पहनेगा, ब्लैक कलर पहने। ओ से आपका नाम शुरू होता है तो ब्लू पेन से आप कुछ लिखिए या ब्लू पेन साथ में रखिए। पी से है आपका नाम शुरू तो अलमारी को बिल्कुल साफ रखें। क्यू से नाम शुरू होता है तो ध्यान से काम करना है, नुकसान होने के चांसेस हैं। आर से है आपका नाम तो फ्रूट जरूर खाएं। एस से आपका नाम शुरू होता है तो पुराने दोस्तों से बात करें। टी से है आपका नाम तो शैंपू से बाल धोएं। यू से नाम शुरू होता है तो अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगाएं। वी से है आपका नाम तो लाल चीजें दान करें। डब्ल्यू से नाम शुरू होता है तो अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। एक्स से है आपका नाम तो सुबह ध्यान करें। वाई से नाम शुरू होता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। जेड से है आपका नाम तो खाने में दही जरूर लें। आज के लिए इतना ही, लेकिन छठ शुरू हो रहा है, साथ ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ खास होगा। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।